में कुछ ऐसी प्रो सेटिंग्स हैं। अगर आपने अभी तक ऑन नहीं करी है और आपके ओपोनेंट ने ऑन कर रखी है तो आप उससे जीत ही नहीं सकते हो। और इस वीडियो में बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी भी बताई है, जिसके बाद आपके रेड नंबर पड़ने लगे। और इस वीडियो में जो भी सेटिंग्स हैं वो आपका OB44 अपडेट की है, क्योंकि CS रैंक और BR में वो करेक्ट वाई थी। तो सबसे पहले जो सेटिंग है वो आपको एनिमी फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगी। आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर साउंड में जाकर साउंड इफेक्ट्स को 100% करना है, जिससे एनिमी के फुटस्टेप्स अच्छे से सुनाई देंगे। लेकिन ये सेटिंग तब तक अच्छे से वर्क नहीं करेगी जब तक ये वॉइस सेटिंग को आप 30-40% ना सेट कर लो, क्योंकि टीममेट्स की आवाज ज्यादा होने की वजह से फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देंगे। इसीलिए ये सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है। चलो ये तो हो गई सेटिंग्स प्रो प्लेयर्स के लिए जो ईयरफोन लगाकर गेम प्ले करते हैं। लेकिन अब बारी है अल्ट्रा लेजेंड प्लेयर्स की, जो बिना ईयरफोन गेम प्ले करते हैं और सिर्फ देखे ही प्लेयर्स को स्पॉट करते हैं। ऐसे प्लेयर्स के लिए भी खतरनाक सेटिंग्स हैं, जिससे बिना साउंड के आप एनिमी स्पॉट कर सकोगे। इस सेटिंग्स के लिए जाना है डिस्प्ले में, फिर गन शॉट सेलेक्ट को ऑन करना है, जिससे एनिमी जिस साइड से भी फायर करेगा आपको उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। वैसे एनिमी फाइंड करने की एक सेटिंग और भी है, जिससे 10 मीटर के अंदर एनिमी को फाइंड कर सकते हो। उसके लिए जाना होगा सेटिंग्स में, फिर वाइब्रेशन में और फुटस्टेप्स और गन शॉट सेटिंग को ऑन करना है, जिससे एनिमी के पास आने पे या फायर करने पे फोन वाइब्रेट करने लगेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई प्लेयर पास में होने वाला है। वैसे ये सेटिंग कुछ लो एंड डिवाइसेस पे वर्क नहीं करती है। अगर आपके डिवाइस पे ये सेटिंग्स वर्क ना करे तो कमेंट बॉक्स में अपने डिवाइस का नाम मेंशन कर देना। अब देखेंगे मोस्ट अवेटेड आफ्टर अपडेट हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग्स। अपडेट के बाद सेंसिटिविटी को 200 कर दिया गया है, जिससे 3-4 GB रैम के फोन में भी खतरनाक मूवमेंट होने लगा है। लेकिन 200 सेंसिटिविटी पे शॉर्ट रेंज पे एम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स कमेंट कर रहे थे कि एक ही भाई बेस्ट सेंसिटिविटी बता दो, जिससे हेडशॉट भी लगे और मूवमेंट भी कंट्रोल हो जाए। तो मैं आपके डिवाइसेस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। आप वीडियो पॉज करके अपने डिवाइस के लिए सेंसी देख लेना। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मूवमेंट करने के टाइम एक्सीडेंटली फायर बटन टच हो रहा है तो फायर बटन को 10% कम कर लो। जैसे कि फायर बटन 55% है तो उसको 45% कर लो। वहीं अगर क्लोज रेंज फाइट्स में फायर बटन पे कम मिस हो रहा है तो 10% साइज इंक्रीज कर लो। अब बात आती है कि क्या फायर बटन साइज हेडशॉट मारने में कोई रोल प्ले करता है, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बस आपको एक नॉर्मल रेंज में फायर बटन साइज को रखना है, जो कि है 40-60%। नेक्स्ट सेटिंग्स आपके अकाउंट को हैक होने से बचा सकती है। सेटिंग्स में आकर आपको लॉगिन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर आपकी आईडी जिस भी डिवाइस में लॉगिन है वो यहाँ पे विजिबल होगी। मान लो आपकी आईडी किसी ऐसे डिवाइस में लॉगिन होती है जिस पे आपने कभी गेम ना खेला हो, तो आपको अलर्ट आ जाएगा, फिर आप फौरन ही पासवर्ड चेंज करके अपनी आईडी को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है हाई पिंग को लेकर। आजकल गेम में बहुत सारे प्लेयर्स को नेटवर्क इश्यू हो रहा है, उनका इंटरनेट बिल्कुल सही रहता है, सारी एप्स अच्छे से वर्क करती है, बट फ्री फायर में पिंग हाई जाता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको बेसिक सेटिंग्स में आकर रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू पे सेंड रिपोर्ट करना है, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम को पैच या ओबी अपडेट में फिक्स करा जा सकता है। नेक्स्ट सेटिंग है किल चोर फ्रेंड्स के लिए। हर एक स्क्वाड में एक ऐसा प्लेयर जरूर होता है जो एक गोली मारकर किल चुराने में एक्सपर्ट हो, लेकिन वो ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसने एक गोली मारी है। लेकिन अब आप पता लगा सकते हो कि आपके टीममेट्स ने कितना डैमेज दिया है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल से आकर BR स्कोर बोर्ड सेटिंग को ऑन करना है और होल्ड पे स्विच करना है, जिसके बाद इन गेम प्लेयर्स के नेम पे टैप एंड होल्ड करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग्स को ऑफ करके आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हो। अब आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में एक ऑप्शन मिलता है अलाउ फ्रेंड्स टू स्पेक्टेट का, जिससे आपका गेम प्ले आपके फ्रेंड्स स्पेक्टेट करके देख सकते हैं। लेकिन कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो इमोजी नॉन स्टॉप भेजते रहते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। इसको आप ऑफ कर सकते हो सिंपली नोटिफिकेशन में जाकर, वहाँ पे आपको इन मैच मैसेजेस को ऑफ करना है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना।